तो भाई गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग क्या यार, गुड आफ्टरनून हो गई, 2 बज गए। और कई दिनों बाद बना रहा हूँ मैं। चलो भाई यार, कुछ होता ही नहीं, घर से मैं जाता ही नहीं हूँ कहीं पे। और अप्रैल वाला हफ्ता तो यार बहुत बिजी था, सैटरडे है वैसे आज, बता दूँ मैं आपको। तो भाई चलते अपने घर पे, जाना है कपड़े लेने प्रेस के, प्रेस वाले को देने, उसके बाद अपनी क्लास है कंप्यूटर की। सैटरडे संडे बैडमिंटन होता नहीं है, तो इस वजह से आज बैडमिंटन भी नहीं है। और भाई एक बार शायद मैं जाऊँ वहीं, वहाँ पे भी जाऊँ उसको उठा के, सर्विस सेंटर काम है कुछ, वो सरप्राइज आपके लिए, या ना भी जाऊँ बता दूंगा मैं आगे। वही चलते हैं घर पे, वो घर तक गाड़ी भी नहीं जाएगी, दिक्कत ही होगी। घर तक गाड़ी भी नहीं जाएगी क्योंकि देखो वो रोड ही वगैरह पड़ा हुआ है ना, इसकी वजह से पहले ही पैदल पैदल उठा के लाने पड़ेंगे। चलो भाई उठा लेंगे। तो भाई आ तो गया मैं, कंजावला आ गया, पता हो तो किसी को कंजावला कहाँ पे है। तो मैं भाई आ तो गया, कंजावला आ गया, यहाँ से क्या हो गया भाई, कंजावला आ गया, अब यहाँ से कराला, उसके बाद क्या कहते हैं वो कराला रोहिणी, और फिर मधुबन चौक क्वाट एनक्लेव। वो चौक पे इस वजह से नहीं जाता यार मैं, वहाँ पे यार वो ट्रैफिक लग जाता है, और वो रेड लाइट खुलने का कौन वेट करे, यहाँ सीधा और यहाँ वो पहुँचना वहीं पे है, और वहाँ पे रेड लाइट के लिए कौन वेट करेगा, बंद हो जाए काम का। और मैं कुछ परसों गाड़ी निकाली थी रात को, वो भी 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद वापस खड़ी कर दी थी मैंने 5-10 मिनट, हाँ मतलब स्टार्ट करी होगी, उसके अलावा 10 मिनट चलाई थी बस कुछ काम था यहीं पे, तो फिर उसके बाद खड़ी कर दी थी मैंने, तो उसके बाद अब स्टार्ट हुई है ये। काम ही नहीं था यार, थोड़ा बहुत काम होगा चला लेते हैं, पहले थे काम तो। अब तो मुझे लग रहा है 13,000 चल जाएगी नवंबर में, चल जाएगी, पर ये इसकी सर्विस मुझे लगता नहीं है, जनवरी में होगी इसकी सर्विस मेरे हिसाब से तो, या हो भी जाए दिसंबर में भी हो सकती है, बता नहीं सकता पक्का। पर मैं चाहता हूँ यार ये जल्दी से 15,000 चले इसकी सर्विस, वो सर्विस का रिव्यू डालूँ मैं, क्या असली इसकी कॉस्ट आती है सर्विस की, अगर सर्विस पैकेज लेते हो तो। अब यहाँ से हमें राइट मुड़ना है। तो भाई आधे रास्ते तो आ गए हैं, अब कुछ 10 किलोमीटर कुछ रह गया होगा, 10 भी नहीं 9.5 कुछ, और इसी में हमें आधा घंटा पौना घंटा आराम से रहेगा। भाई चल पड़े थोड़े मस्ती में चल रहा है बोर्ड, सही लोग मस्ती में चलते अपनी। यार काम तो हो गया, देखो यार इतने दिनों बाद आया ना यहाँ से, काम तो हो गया यार, यहाँ पे रोड बना दिया। मुझे लग रहा था पहले यहाँ पे हाईवे बनेगा, मतलब हाईवे मतलब वो सेंस मतलब जैसे उठा हुआ नहीं होता ब्रिज टाइप वैसे बनेगा, पर ये तो नीचे नीचे ही बना रहे हैं, पर मुझे लग रहा है चौड़ा बना रहे हैं, चौड़ा बनेगा ये, कोई नहीं भाई बना दे, पर कुछ तो बनेगा। काम एकदम से इन्होंने स्पीड से कर दिया, ये कह दो तो कह रहे हैं ना अगस्त 2023 तक रेडी हो जाएगा ये रेडी, लग रहा है मुझे हो सकता है इस हिसाब से काम चल रहा है, देखना यार हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, प्लेन कर दिया लोगों ने इन्होंने रोड, बढ़िया स्पीड से काम चल रहा है, पहली बार देखा इतनी स्पीड से काम चलता हुआ, आज तक नहीं हुआ इतनी स्पीड से, लग रहा है कुछ वो ट्रैफिक जो जाता ना घूम फिर के वो डायरेक्ट चला जाएगा यहाँ से, जिसको पकड़ना हो डायरेक्ट सही हो जाएगा हमारे लिए भी यार। मैं यहाँ पे आऊँगा इससे अच्छा वहाँ पे मुंडका भी जाएगा, तो मुंडके से डायरेक्ट ना चढ़ जाऊँगा मैं, डायरेक्ट यहीं पे उतरूँगा मैं, क्यों जाऊँगा कहीं और, ये सही चीज़ हो जाएगी, वो भी सीधा बन रहा है ना क्योंकि, सही हो जाएगा फिर तो। अब देखे यार कैसा बनाएंगे, जिस हिसाब से काम चल लग तो रहा है अभी बन जाएगा, पर ये इनका पता नहीं ये अच्छा रोड बनाएंगे बेकार रोड बनाएंगे, कैसा ऊपर नीचे हो, या शायद कैंपी वाला काम हो, ऊपर नीचे गाड़ी 120 की लिमिट दे दे, गाड़ी चले 100 भी ना पूरी, 80 भी ना चले पूरी, ऐसा काम हो जाए।
पहुंच तो गया यहाँ से कुछ 400 मीटर कुछ है अपना, क्या कहते हैं कंप्यूटर जहाँ पे हम करते हैं अपनी ऑक्सफोर्ड, वही ये रेड लाइट है, इससे हम राइट मुड़ जाएंगे तो लगा देंगे, पर मैं आगे से यूटर्न लेके आऊँगा क्योंकि वहाँ पे जगह हो जाती है ना कभी कभी, वहाँ पे देखो जैसे ये गाड़ी खड़ी है वहाँ पे हो जाती है तो जगह मिल जाती है यार। यूटर्न ले लिया तो अब यहाँ पे भी ट्रैफिक मिल गया यार, ये सही है यार, मैंने गाड़ी न्यूट्रल कर दी चलेगी आराम से, गलत बात है यार ये, इतना ट्रैफिक जहाँ देखो वहाँ पे ट्रैफिक। तो भाई आ गया है अभी अभी बिल्कुल, देखो ये अभी दिख ही रहा होगा गियर बिना गियर की स्टार्ट करी अपनी, ये टायर प्रेशर की लाइट आ रही है, ये वही टायर में हवा कम है, मैं तो दो चारों में होनी चाहिए थी पर वो उन दोनों में ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मैंने उनमें कई दिनों से चेक नहीं कराई देखें, तो इसमें ये व्हीकल स्टेटस में देखते ना कुछ नहीं आता, पर देखो इसमें ये इंडिकेशन आती है सारी की सारी, इसमें प्रेशर लो सारा लेफ्ट रियर टायर मतलब पीछे वाला वो टायर उसमें कम है, उसमें मैंने आज सुबह चेक कर लिया था उसमें कम है, उसमें 23-24 होगी, तो अभी कर लेंगे उसमें भी चारों में का फुल कर लेंगे क्योंकि मैं 35 रखता हूँ, अगर फुल आदमी रख चलेंगे ना सारे फुल होकर चलेगी गाड़ी तो 38 होनी चाहिए, वैसे मैं रखता हूँ 35 क्योंकि तुम दो ही तीन बैठते हैं या तो ज़्यादातर मैं कह चलता हूँ मैं मीडियम रखता हूँ 35 ही। स्विफ्ट थी ना जब मेरे पास, जब उसमें 14 इंची आते थे कंपनी से वो 2014 मॉडल में, तो उसमें रखता था मैं 27-28 बस, इसमें मैं रख लेता हूँ क्योंकि थोड़े सही टायर थोड़े और उसमें लिखा भी हुआ है, कैसे पता चलता है मुझे देखो यहाँ पे वगैरह इसके अंदर इंडिकेशन सारी होती है तो उससे पता चल जाता है मुझे, वापस नॉर्मल पे और चलते हैं। तो भाई काम के लिए आया था, ये मुझे क्या पता था यार आधे घंटे से रोहिणी में ही घूमूंगा, रोहिणी में ही दिमाग खराब हो गया, एक घंटा हो गया यार रोहिणी में घूमते, चलो यार कुछ काम था तो आधा घंटा हो गया रोहिणी में घूम रहा हूँ, एक बार मेन रोड आ जाएगा 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मेन रोड में ही इतना कहाँ ही कहीं से लेनी पड़ रही है, पता नहीं लोग इतने कैसे घूम लेते हैं, जहाँ जाओ वहीं पे भीड़ वहीं पे भीड़, ये मुश्किल से एक रोड मिला इस पे भी लगा हुआ है यहाँ पे फुलटो की, पर चलो कोई नहीं यहाँ पे इतना कम से कम है तो सही। थक गया यार चला चला इस ऐसी याद आती है ऑटोमेटिक, और भाई स्कोडा का मैं पछताता हूँ हमेशा कि मैंने ऑटोमेटिक क्यों नहीं, हर एक आदमी को पसंद होता है भाई मैनुअल की अपनी हिसाब से, पर ऑटोमेटिक यार जब एक बार आदमी चला लेना अलग ही फील आती है ऑटोमेटिक में, तो मुझे अब तो अगर नेक्स्ट गाड़ी लूँगा लेनी पड़ी ना घर के लिए तो भाई ऑटोमेटिक ही लेंगे यार, और मैं तो कह रहा हूँ नेक्स्ट अगली भी ना स्कोडा स्लाविया, क्योंकि वर्टेस यार वर्टेस का ना अंदर से इंटीरियर अच्छा नहीं है, स्कोडा स्लाविया और वर्टेस का इंटीरियर देखना, स्लाविया का इंटीरियर बेस्ट है, मतलब जैसे वर्टेस का 15 है ना तो स्लाविया का 16 या 17 है, ये देख ला एक बार, स्लाविया का अलग चीज़ है यार, वर्टेस भाई बाहर से अच्छी है, बाहर से मैं बताता हूँ अच्छी है स्पोर्टी सी लगती है, पर ये तो टॉप मॉडल में 20 लाख में भी उन्होंने 16 इंची दे रखे है यार, और स्लाविया में आपको 17 इंची आते हैं कुछ शायद आते हैं, हाँ 17 ही आते शायद, तो भाई इससे अच्छा तो यार स्लाविया ही लेना, तो मैं तो अगली बार भी कहूँगा स्लाविया ही लेना, वर्टेस का वो नहीं है। तो अब यार जब से TSI चलाया तो ऐसा मन करता है यार कि TSI लेना अगला भी, मतलब इसमें यार ड्राइविंग प्लेजर आता है यार, मज़ा आ जाता है एक बार गाड़ी चला के, फिर मन करता है कि रोज़ 5-10 किलोमीटर चलाएं, और किसी गाड़ी में नहीं लगता, शुरू शुरू में लगता है पर यार इसमें ऐसा लगता है यार थोड़ी और चला लूँ, मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। वह पहुँच गया हूँ मेन रोड पे, बड़ी बहुत देर बाद पहुंचा हूँ भाई मेन रोड पे, देखना बिल्कुल खाली पड़ा है, ये खाली नहीं हो सकता ही नहीं यार ये खाली, रिठाला कभी भी खाली नहीं हो सकता, मिलेगा जाम, और यार मेट्रो स्टेशन के नीचे तो ये रिक्शा वगैरह खड़ी रहती है ना, ये थोड़ा यार नीचे नहीं करते खड़ी, ये ऊपर ही कर लेते, और आपको पता यार एकदम से बीच में रोक देंगे पूरा ट्रैफिक रुक जाता है, देखो जाम की बात कर रहा था लग गया ना पीछे सारा लग जाएगा ना, आराम से शायद मिल जाएगा इसके बाद क्लियर मिल सकता है, मेरे हिसाब से तो मिल जाएगा यार, अब 50-50 है नहीं भी मिले देखते हैं यार, मिल जाए तो अच्छी बात है। ट्रैफिक की बात कर रहा था ना, ये लगा हुआ ट्रैफिक,
ट्रैफिक की बात करी और यहाँ पे ट्रैफिक लग गया भाई। मैं तो आगे ये ट्रैफिक है, इसके आगे पता नहीं कितना है भाई। इनको देखो कैसे घुस रहे हैं, इनका तो कुछ होगा नहीं, हमारा नुकसान होगा ना। वैसे भी भाई पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं स्कूटर के, तो भाई यार थक गए यार, दबा दबा क्लच दबा दबा के। और ये जाम इस वजह से लगाओ यहाँ पे कट है, ये कट बंद ना कर दो, जिसको घूम के आना आगे से घूम के आओ। पर लोग इतने गंदे कर, ये कट बंद कर दिया, लोग क्या करते हैं रात को कोई ना कोई आता तो उस तोड़ जाता उसको, और फिर यहीं से अगले दो तीन दिन बाद गाड़ी निकलने लग जाती है। पहले स्कूटी निकलती है, स्कूटी से एक दो आदमी आते हैं, वो और जगह बनाते और जगह बनाते, वो गाड़ी की बन जाती है। गाड़ी के बनते ही बस फिर डिवाइडर बनता है, पुलिस वाले फिर से लगा देते हैं, फिर डिवाइडर बनता है। ये कट अगर बंद कर देना यहाँ का ट्रैफिक खत्म होता है। अबे दो ही चार चीज़ें देखो, जैसे रिक्शा गई यहाँ से रॉन्ग वे आती है और वहाँ पे घुसा देती है, वो घुस रहा है देखो। हम यहाँ पागल थोड़े तो आगे से यू टर्न लेके आते हैं, हर एक आदमी वेट करके आता है यार। ओहो कितने बढ़िया ब्रेक मारे डक्के ने एकदम से झटके से, इतनी रेस दे ही क्यों रहा है तब झटका इतना मारना पड़ रहा है। तो इन भाई को देखो कैसे घुस रही मेरी गाड़ी लाइन में, फोन में चल रहे हो अंकल, फोन में लगे हो क्या? ये घुसूंगा तो मैं जरूर, हॉर्न दे दे घुसे। चल लो यार यहाँ पे क्या डे यार, अबे यार सैटरडे है, सैटरडे को तो वैसे भी ऑफिस टाइमिंग है, यही ऑफिस टाइमिंग है 7:06:43 हो गए, पौना घंटा हो गया घूमते घूमते, थक और गया। कोई नहीं यार पहुँचते हैं घर पे, अब मिल सकता है खुला, मिल गया ना मज़ा आ जाएगा भाई, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, खतरनाक वाला मज़ा आ जाएगा। भाई देखो अब यहाँ पे भी हल्का सा लगाओ, यहाँ पे तो बैरिकेड को जैसे है ये पुलिस की चेकिंग वगैरह होते हैं ना, कोई जिसने पी ना रखी हो उसके लिए है। वैसे ही यहाँ पे ये ठीक है, ये बैरिकेड लगा दो ना सही रहता है, कट पे अगर हर पुलिस खड़ी कर दे ना कट पे, अगर रेड लाइट नहीं लगा सकते पुलिस खड़ी कर दे, उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। या जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है ना, कई बार ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे खड़ी नहीं होती जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे भी लगा हुआ है यार, ये जिंदगी में ट्रैफिक जाएगा नहीं जाएगा जिंदगी से, पहले नहीं लगता था ना ट्रैफिक, अब लगने लग गया है, इतनी सारी गाड़ियां हो गई रोड पे, इतनी सारी हो गई। इतनी देर से भाई मैं इस बंदे से इस वैगनर जो जा रही है इसे साइड मांग रहा हूँ भाई, साइड देते मुझे जाने दे भाई, बंदा पंजा दबा दे रहा है। देखो 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 देखो, और साइड मिरर बंद कर रखे है, साइड मिरर बंद है, बंद कर रखे है, साइड ही नहीं देता भाई, साइड ही नहीं दे रहा है, शुरू से लगा हुआ है बहुत शुरू से, दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा। आगे एक बार कैमरे तो छोड़ो कटता है उसके बाद देखना, कैमरों के बाद देखना इसको जब पीछे कर सकता हूँ, एक कमी ना लग रहा है मुझे इस हरकतों से, पीछे करने ही नहीं देगा ये, बार बार आगे अड़ा दे रहा है। लेके जाता हूँ, निकलने वाला हूँ, होता हूँ आगे अड़ा देगा, मैं निकलूँगा तू तेरे सामने तो मैं ही आऊँगा। तो भाई फोर्थ गियर अपना अब कर देते हो ओवरटेक सबको, वैसे भी भागती है, पावर का कभी तो यूज़ करेंगे ही। चला जा भाई यार बराबर में से, आई बीम देखना भाई, आई बीम कितनी तगड़ी है गाड़ी की, ये लो बीम, फॉग लैंप अभी मैंने ऑन करी, मैं ऑन फॉग लैंप ऑन करता है, मैंने इनको वाइट कराना है, ये वाइट हो जाएंगे ना मैं एलईडी लगवाऊंगा। या बताना कि हेडलाइट में सही है यार, मुझे लगता है सही है हेडलाइट, क्यों काम का चेंज कराने जब कंपनी दे ही दी है, और हेलोजन दे दी तो भाई सोचता है एलईडी वगैरह, इतनी अच्छी चीज़ दे रखी है कंपनी ने, इस चेंज ना करूँ तो ही अच्छा है, बाकी आप बता ही देना।
तीसरे गियर में शिफ्ट करके जल्दी आएगी, बार बार चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखो एकदम से चलेगी गाड़ी, ये इस बाइक की वजह से रह गया यार, स्कूटी वाले की वजह से रह गया, निकल तो जाता यार, थक गया हूं मैं इनकी वजह से। यहाँ पे हट जा भाई सामने से एक बार। चलो भाई यार हेलीपैड तो पार कर दिया हमने, जल्दी से घर पे पहुंच जाते हैं जल्दी से। अब यहाँ से कुछ यार हमारा रह गया 10 रह गया, हाँ 10 रह गए। यहाँ से पहुँचते हैं अब घर पे जल्दी से, घर जाके मिलता हूँ यार। लोग वीडियो पर यार एक चीज़ जरूर करो, 2 मिनट लगा के ना सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार लोग आप सब ना वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते यार। लाइक आपकी मर्जी है, करो ना करो, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो भाई पहुँच तो गया यार घर पे, गाड़ी भी देखो ये गाड़ी लगा दी मैंने साइड में, यहाँ से उतर के इस साइड से उतर सकता नहीं, उसी साइड से उतरूँगा, उस साइड से उतर के और फिर घर पे जाऊँगा। पहुँच गए भाई, वहाँ से आने में बस मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा। देखो 7:26 हो गए, मुझे यहाँ पे आए 15 मिनट या 10 मिनट, 10 से 15 मिनट हो गए आए घर। सामान रख दिया घर पर सारा, यहाँ पे खड़ी करी है, भाई आएगा तो फिर जाएंगे कुछ खा पीने। चलो भाई, भाई गाड़ी खड़ी करती है, पैदल पैदल घर की तरफ जा रहे हैं। तो भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।